हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी बोर्ड की तैयारी सही चल रही होगी। मैंने सोचा आपके लिए एक चैप्टर मैं अपलोड कर ही देती हूँ वन शॉट में, ठीक है। अगर आपको पसंद आए और अच्छा आप फीडबैक दोगे तो मैं और भी वीडियोस को अपलोड करूँगी। पढ़ना अब स्टार्ट करना ही पड़ेगा आपको बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आ चुके हैं। देखो, इस वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर बहुत ही ब्रीफ में बताऊँगी, बहुत ही शॉर्ट में। तो वीडियो को पॉज करके आप साथ के साथ नोट्स भी बनाती रहिए। सबसे छोटा चैप्टर है ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और इससे क्वेश्चंस आते हैं ज़रूर बोर्ड एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब आप सोच रहे होंगे ये टाइटल तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स तो आपने जो उससे पहले चैप्टर था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ यही पढ़ा था कि वो डिसीज़ इंड्यूस करते हैं, है ना, तरह तरह की। ऐसा नहीं है, माइक्रोब्स कभी कभी हमारे फ़ायदे के लिए भी काम करते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये हमारा बेनिफिट भी करते हैं। जैसे कि आपको पता है माइक्रोब्स कौन होते हैं। माइक्रोब्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, जो आपको नेकेड आइज से नहीं नज़र आते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से नज़र आते हैं, उन्हें हम माइक्रोब्स बोलते हैं। जिसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती है, लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी विजिबल नहीं है, वायरसेस भी विजिबल नहीं है, और फंजाई भी। तो ये तीन कैटेगरीज आती हैं माइक्रोब्स में। माइक्रोब्स का हमारे जो लाइफ में है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये बेनिफिशियल भी होते हैं, जैसे कि इस चैप्टर का टाइटल है। और ये चैप्टर जो है ये बेनिफिशियल कौन कौन से एरियाज़ में कर रहे हैं, चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, जो भी आपके हाउसेस में चीज़ें बनती है वो भी माइक्रोब्स का यूज़ करके बनती है, और लार्ज स्केल पे भी इनकी प्रोडक्शन होती है इंडस्ट्री में, एसिड की प्रोडक्शन में। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स हेल्प करते हैं कुछ एंजाइम्स के प्रोडक्शन में भी। एंजाइम्स पता है ना, जो रिएक्शंस के रेट को स्पीड अप कर देते हैं, बहुत सारी रिएक्शन को कैटालाइज कराते हैं ये। और जो नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये चार पार्ट्स में हम माइक्रोब्स का रोल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स आपकी दादी या उनके भी पहले पहले ज़माने से क्या चलता आ रहा है कि मिल्क से कर्ड बनती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब। लैब नाम का एक बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिडोबैसिलस, ठीक है, जो क्या करता है, कैजिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है और एक वाइटामिन ऐड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइटामिन B12, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर गट हेल्थ। ये बहुत ही अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। केमिकल नेम जो है इसका साइनोकोबलामाइन है, और ये बहुत ही इसेंशियल है हमारे गट की हेल्थ के लिए। मैचुरेशन भी करता है RBC का, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो एक डिसीज़ हो जाती है जिसको बोलते हैं पेरिनेशियस एनीमिया। तो ये कैजीन जो मिल्क का प्रोटीन का डाइजेशन है वो कौन करता है, लैब करता है। लैब की फुल फॉर्म क्या है, लैक्टो एसिडो बैसिलस, ठीक है, रोड शेप होती है इसलिए इसको बैसिलस बोलते हैं। ये इम्प्रूव करता है न्यूट्रिएंट क्वांटिटी बाय एडिंग विटामिन B12, और ये ऑल्सो चेक करता है जो कोई डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये उनको भी खा जाता है। तो इट्स अ गुड थिंग, ये माइक्रोब्स को खाना इन अपने डाइट में बहुत ही अच्छा है। ये एक तो न्यूट्रिशन की क्वालिटी को भी इंक्रीज कर रहा है विटामिन ऐड करके, दूसरी चीज़ क्या कर रहा है, जो बैड बैक्टीरिया है उनको किल कर रहा है, ठीक है। तो दही वगैरह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दही की जो प्रोडक्शन है, जो हाउस होल्ड में हम बनाते हैं, वो कौन करता है, माइक्रोब्स करते हैं, ठीक है। मिल्क की जो शुगर होती है उसे लैक्टोज बोलते हैं, कैन शुगर को सुक्रोज बोलते हैं, प्रोलैक्टिन मिल्क वाला हार्मोन। ये थोड़े वर्ड्स हैं यहाँ पे डिटेल में बता रखा है, ठीक है, एज अ जर्नल नॉलेज। दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है माइक्रोब्स की हेल्प से इस चैप्टर में दिया हुआ है टोडी। टोडी क्या है, एक साउथ इंडियन ड्रिंक है ये, फर्मेंटेड होके बनती है। फर्मेंटेशन के बाद क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं जिससे प्रोड्यूस होती है इथेनॉल। तो टोडी एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, ज़्यादातर साउथ इंडिया के अंदर करते हैं। एक पाम का जो ट्री होता है ना उस पर कट लगा देते हैं बकेट, और जो सैप है उसको बकेट में इकट्ठा कर देते हैं। जब ये फिल्ड हो जाता है फिर उसको फर्मेंट करेंगे, फर्मेंट करने के बाद अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, कितने परसेंट, 6%। तो ये ट्रेडिशनल बहुत ही फेमस ड्रिंक है टोडी, जो बोलते हैं डो की प्रिपरेशन में माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। जब माइक्रोब्स फर्मेंट करते हैं डो को तो CO2 गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से होल्स आ जाते हैं। इडली हो गया, डोसा हो गया, ब्रेड हो गया, ब्रेड भी बनती है। ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का यूज़ होता है, इसलिए उसको बेकर यीस्ट बोलते हैं। और जो यीस्ट के बहुत सारे टाइप्स है, ब्रेड बनाने के लिए जो यीस्ट यूज़ हो रही है ना वो कौन सी है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये नाम याद रखना है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया आपका कर्ड, सेकेंड हो गया टोडी, एंड थर्ड हो गया आपका डो। फोर्थ आते हैं चीज़।
चीज़, आपने टॉम एंड जेरी का कार्टून देखा होगा, जेरी कभी इधर उधर से हॉल से निकल जाता है, लार्ज हॉल से। ये वाला जो चीज़ है इसको स्विस चीज़ बोलते हैं। स्विस चीज़ में लार्ज हॉल किसकी वजह से है, क्योंकि CO2 बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, जब वो एकदम से इवॉल्व होती है निकलती है तो हॉल्स आ जाते हैं। स्विस चीज़ की प्रोडक्शन में ये जो CO2 गैस है ये प्रोड्यूस होती है जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा। फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो कौन करता है, बैक्टीरिया करता है, जिसका नाम क्या है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। शर्मा जी से याद रखना, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी जब फर्मेंट करेगा तो CO2 प्रोड्यूस होगी बहुत लार्ज अमाउंट में, जिसकी वजह से इस चीज़ में क्या आ जाते हैं, होल्स आ जाते हैं। दूसरा वाला चीज़ भी दे रखा है NCERT में, रॉकफोर्ट चीज़ बोलते हैं इसको। रॉकफोर्ट चीज़ जो है वो अपने फ्लेवर के लिए फेमस है, नॉट फॉर होल्स, लार्ज होल्स के लिए फेमस नहीं है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और इसमें जो माइक्रोब यूज़ हुआ है वो क्या है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। ठीक है, रॉकफोर्ट से याद रखना, रॉकफोर्टाई इन्वॉल्व है, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट आपके ख़त्म हो चुके हैं, इसके अलावा अब इंडस्ट्री में भी यूज़ होने लगे हैं, जब से ह्यूमन को पता चला है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारी लाइफ में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो बहुत ही लार्ज स्केल में बनते हैं, माइक्रोब का यूज़ एसिड के प्रोडक्शन में भी होता है, अल्कोहल को बनाते हैं बड़े बड़े कंटेनर्स में, एंजाइम्स को भी बनाया जा रहा है। ठीक है, एंजाइम्स भी यूज़ होते हैं मेडिसिन में, और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स भी लार्ज स्केल्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंटीबायोटिक्स भी आ जाएगा इसमें, तो डिटेल में डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। सबसे पहले एसिड में जाते हैं, एसिड सारे के सारे, देखो केबल से याद रखना, ई हटा देना केबल में, देखो सी, सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर से ऑप्टेन होता है, ये फंगस है, इसे छोड़ के बाकी सब बैक्टीरिया हैं। ब्यूटायरिक एसिड, इसके नाम से याद रखना, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायलिकम, ब्यूटायरिक एसिड ब्यूटायलिकम स्पीशीज है। ठीक है, एसिटिक एसिड किससे प्रोड्यूस हुआ है, एसिडोबैक्टर एसिटाई से, ये बैक्टीरियम है, ब्यूटायरिक एसिड वाला भी बैक्टीरियम प्रोड्यूस कर रहा है। और लैक्टिक एसिड मैंने आपको पढ़ा ही दिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम से प्रोड्यूस होता है। तो इन चार एसिड के नाम आपको याद रखने हैं, और ये जो एसिड है इनको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा माइक्रोब यूज़ हो रहा है ये भी याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, फंगस बस एक में ही है, सिट्रिक एसिड में, एस्परजिलस नाइगर, ये फंजाई है, क्लियर है। और इथेनॉल में मैंने आपको बता ही दिया था, यीस्ट यूज़ होता है, ये सारे एसिड के नाम थे। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, देखिए इसमें आपके NCERT में एंजाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोडक्ट बनाने में, जैसे लाइपेस। एक तो एंजाइम की नेमिंग में ध्यान रखना, एज वर्ड जब आता है ना तो वो एंजाइम ही होते हैं। लाइपेस जो यूज़ होता है वो डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है टू रिमूव ऑयल स्टेन फ्रॉम लॉन्ड्री वगैरह, जो कपड़ों में आपके ऑयल के स्टेन लग जाते हैं तो डिटर्जेंट्स में लाइपेस एंजाइम को ऐड किया जाता है उसके रिमूवल करने के लिए। प्रोटीएजेस और पैक्टिनेजेस एंजाइम, प्रोटीएज जो प्रोटीन को तोड़ दे, पैक्टिनेजेस जो पैक्टिन को तोड़ दे, ये यूज़ किए जाते हैं कहाँ पर, फ्रूट जूसेस बनाने के लिए। मार्केट में आप देखना, मार्केट के जूस बहुत ही क्लियर सुंदर से होते हैं, और जो घर में जूस बनाते हैं वो पल्पी होते हैं, बहुत ही डल होते हैं। तीसरा जो एंजाइम है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम जो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है, ये इसी से ऑप्टेन होता है, और इससे मेडिसिन बनती है जो ब्लड को अनक्लॉट करती है, क्लॉट्स बन जाते हैं, क्लॉट्स की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। माइकार्डियल इन्फेक्शन कुछ नहीं, नई टर्म नहीं है, ये बायोलॉजिकल टर्म है, इसका मतलब ही हार्ट अटैक होता है। तो जब कभी भी सर्जरी के लिए जा रहे होते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिनको होता है तो उनको स्ट्रेप्टोकाइनेस देते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है, एक्चुअली क्लॉट बस्टर है, दिस इज अ क्लॉट बस्टर, क्लॉट्स नहीं बनने देता, क्लॉट अगर बन जाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी सर्जरी में। ओके, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनकी मेडिसिन बनती है, वो भी माइक्रोब से ही ऑप्टेन होते हैं, और इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, बोर्ड में पूछते हैं कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग कौन सी है, तो आंसर क्या आएगा, साइक्लोस्पोरिन ए। ये एक मेडिसिन है जो यूज्ड होती है इम्यूनो, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, मैंने बोला था अगर वो ऑर्गन आपके किसी रिलेटिव से नहीं लिया है तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, उसको फौरन समझ के एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती है, तो इम्यून सिस्टम को स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है, उसको सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं उनको, ताकि उनका इम्यून सिस्टम डैमेज ना करे जो भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया गया है। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन कौन से माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट किया गया है, ये फंगस से एक्सट्रैक्ट किया गया है, फंगस का नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम। पहला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल आपका कौन सा है, साइक्लोस्पोरिन ए। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, स्टैटिन। स्टैटिन जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है,
और इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है फंगस से ही, यूनिसेलुलर फंगस यीस्ट, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मोनास्कस परप्यूरी। मोनास्कस परप्यूरी फंगस से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है स्टैटिन को, और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है, याद रखना आपको, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम और स्टैटिन मोनास्कस परप्यूरी। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स के बारे में पढ़ेंगे और एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक्स मैंने बताया था, एंटीबायोटिक्स जो किसी की लाइफ के अगेंस्ट हो, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो रिसर्च कर रहे थे अपनी लैब में, माइक्रोब्स को ग्रो कर रहे थे। नेक्स्ट डे आगे उन्होंने देखा उनकी प्लेट थोड़ी क्लीन लग रही थी, बैक्टीरिया की कॉलोनी किल हो चुकी थी, तो उन्होंने बाद में पता लगाया इसको किल करने वाली कौन थी, पेनिसिलिन एक फंगस थी नोटेटम, जो बैक्टीरिया को मार रही थी, ठीक है। तो ये जो डिस्कवरी हुई थी बहुत ही अचानक से हुई थी, इसलिए अचानक से जो डिस्कवरी होती है उसे सेरेंडिपिटी बोलते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई है बाय चांस, वो पेनिसिलिन है। किसने डिस्कवर करा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लेकिन जिसका जो फुल पोटेंशियल है, जिससे बहुत ही लार्ज स्केल में जो मेडिसिन बनी थी एंटीबायोटिक, उसकी जो फुल एक्सप्लेनेशन है वो किसने करी थी, अर्नेस्ट चैन और हॉवर्ड फ्लोरी ने करी थी। और इन्होंने बहुत ही बड़े लार्ज स्केल में जो एक्सट्रैक्ट करी थी वो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से करी थी। नोटेटम से तो पता चला था, लेकिन ये नोटेटम से ना कम ही अमाउंट निकलता था एंटीबायोटिक का। फिर उन्होंने इसकी दूसरी स्पीशीज ली पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, उसमें लार्ज स्केल में इस मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट किया। तीनों का कंट्रीब्यूशन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बाय चांस इसको डिस्कवर कर लिया एंटीबायोटिक का, लेकिन जो उसका फुल पोटेंशियल है वो किसने एक्सप्लेन करा था, चेन और फ्लोरी ने। तो इन तीनों को नोबल प्राइज मिला था 1945 में एंटीबायोटिक्स के बारे में, इतना आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आगे क्या प्रोडक्ट है आपका, इसमें अल्कोहलिक ड्रिंक्स, माइक्रोब से अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी बनते हैं, ठीक है। इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स को जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है, तो बड़े वेसल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स बोलते हैं, ठीक है। अल्कोहलिक ड्रिंक बनने के लिए क्या होता है, मैंने क्या बोला था, जब ग्लूकोज को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन डाइजेस्ट किया जाता है साइटोप्लाज्म में, तो क्या बनता है वो, पाइरूविक एसिड बनता है। ग्लाइकोजन का काम किसका है, यीस्ट का है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल। लेकिन फर्मेंटेशन जो है अल्कोहल की, जो परसेंटेज है यीस्ट 8 से लेकर 15 तक कर पाता है ओवरऑल, मतलब 13%। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो यीस्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है इथेनॉल वो खुद मर जाएगा, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती है अल्कोहल की परसेंटेज। तो वाइन और बियर ऐसी है जिसमें अल्कोहल की परसेंटेज 13% ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, तो इनका जो सेडेटिव इफेक्ट है वो भी कम होता है। ये प्रोड्यूस होती है विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब किसी पर्सन को चाहिए, मुझे नहीं अल्कोहल की परसेंटेज ज़्यादा चाहिए, तो उनको क्या करना पड़ता है, किस प्रोसेस से हमें वो करना पड़ता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस से, ताकि अल्कोहल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए। डिस्टिलेशन प्रोसेस का मतलब ये होता है टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। तीन ब्रांड ऐसी होती हैं जिनमें अल्कोहल की परसेंटेज ज़्यादा होती है, विस्की, ब्रांडी और रम। और वाइन एंड बियर में जो परसेंटेज है अल्कोहल की वो बहुत ही कम होती है, तो जो बिगनर्स होते हैं वो वाइन और बियर से ट्राई कर लेते हैं ये सोच के कि इसमें अल्कोहल की परसेंटेज कम है, लेकिन नुकसान उन्हें भी होता है, उन्हें भी ये कम परसेंटेज भी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सैक्रोमाइसिस को ब्रीवर यीस्ट भी बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, ओके। नेक्स्ट इस चैप्टर में आपका दे रखा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है आपके लिए डिटेल में। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होता क्या होता है, जितना भी गंदा पानी आपका आता है घरों से, म्यूनसिपल वेस्ट आता है फैक्ट्री से, ये सारा रिवर्स में डिस्पोज कर देते हैं, तो दिक्कत हो जाती है ना, वाटर हमारी पूरी गंगा यमुना सब पोल्यूट हो जाएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या करा है कि हमें इन मेजर रिवर्स को बचाना होगा। इनका एम क्या था कि जो फैक्ट्री इंडस्ट्री से जो घर से वेस्ट आ रहा है उसको ट्रीट करके फिर दोबारा रिवर में डिस्पोज किया जाए। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए बीओडी क्या है। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जो माइक्रोब्स को चाहिए होती है फॉर द डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। सीवेज में को क्लीन करने के लिए दो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फर्स्ट इज प्राइमरी फिल्ट्रेशन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी में क्या करते हैं, हम फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेशन से क्या होगा, जितना भी कूड़ा करकट है वो सब बाहर रह जाएगा, पिन्नी विन्नी, ठीक है। फिर उसके बाद उसको सेडिमेंट करेंगे, सेडिमेंट मतलब मिट्टी बैठ गई कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे एक छन्नी लगी हुई है और इसमें से सारा गंदा नाले का पानी आ रहा है, तो जो डेब्रिस है वो फिल्टर हो जाएगा सारा,
और थोड़े टाइम के बाद इसको रख देंगे हम, छोड़ देंगे, तो क्या हो जाता है, मिट्टी वगैरह सब यहाँ नीचे बैठ जाती है। जो मिट्टी नीचे बैठ गई है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज, ठीक है। फिल्टराइजेशन, पिन्नी विन्नी पत्थर कंकड़ बड़े बड़े वो सब फिल्टर कर दिए हैं, मिट्टी नीचे बैठ गई है। अब ये जो डिजोल्व है इसके अंदर, पानी के अंदर जो घुला हुआ है बहुत ही गंदा सा वेस्ट, उसको बोलते हैं एफ्लुएंट, और उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं हम किस में, दूसरे टैंक में, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाएंगे। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में कुछ नहीं है, एक तो फिल्टर कराया हमने सीवेज को, फिर सेटल डाउन होने दिया है जिसको क्या बोलते हैं सेडिमेंटेशन, और जो भी एफ्लुएंट है, जो भी गंदी चीज़ें पानी के अंदर घुली हुई हैं, वो हमने ट्रांसफ़र कर दी है नेक्स्ट टैंक में, जिसको क्या बोलते हैं एरेशन टैंक बोलते हैं। एरेशन टैंक से याद रखना, इस टैंक में ना एयर को बहुत ज़्यादा सप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन को, और इसको ना मैकेनिकली एजिटेशन भी करते हैं, हिलाते भी रहते हैं ताकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। एरेशन टैंक में जब माइक्रोब्स बहुत सारे ग्रो कर जाएंगे तो वो क्या करते हैं, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है ना उसको खा जाते हैं, उनको खाना मिल रहा है। जितना ज़्यादा गंदा पानी होगा याद रखना उतनी ज़्यादा यहाँ पर क्या होगी, बी ओ डी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है, ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है तो बी ओ डी से हम मेज़र कर लेते हैं पानी अभी गंदा ही है। अगर बी ओ डी कम हो गई है तो इसका मतलब माइक्रोब सारा खाना खा चुके हैं। फिर एरेशन टैंक में डाइजेशन के बाद हम इसको क्या कर देते हैं, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डाल देंगे, रख देंगे, तो जो नीचे गंदा जो डेड बॉडी है माइक्रोब्स वगैरह की, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है, और ऊपर ये थोड़ा सा क्लीन होना हो जाता है क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट क्या हो गया, हम यहाँ पर कम हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ करनी होती है, जो भी फ्लॉक्स आ गए हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक्स में, फ्लॉक्स होते हैं फिलामेंट्स बन जाएगी जिसके आसपास बैक्टीरिया चिपके हुए होते हैं, इसको वापस से ऐड कर देते हैं एरेशन टैंक में। बार बार हम कहाँ से एरोबिक बैक्टीरिया लाएंगे, फिर तो परेशान हो जाएंगे ना, थोड़ा सा बचा कर रखना पड़ता है। जैसे दही जमाने के लिए आप थोड़ी सी दही डालते हैं, तो फ्लॉक्स को भी वापस से यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट सारा खा लिया, बी ओ डी अब पता चला मेजर करा कम हो गई है, तो उसको नेक्स्ट टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर दोबारा से यहाँ मिट्टी विट्टी सेटल डाउन हो गई, एफ्लुएंट को ट्रांसफ़र कर दिया किसमें, स्लज डाइजेस्टर में। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम एनारोबिक बैक्टीरिया डाल देते हैं, जो डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी एक्टिवेटेड स्लज में, एनारोबिक बैक्टीरिया उसे खा जाएंगे, कोई ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं देंगे, ये ऐसी ऑर्गेनिक। अब एरोबिक तो अपना पेट भर चुका है, अब कौन पेट भरेगा यहाँ पे एनारोबिक, ठीक है। और फिर एनारोबिक बैक्टीरिया जब काम करते हैं ना, तो बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती है, लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये यूज़ होती हैं फॉर द स्टोर कर लेते हैं इस गैस को एज अ बायोगैस, और ये खाद वगैरह की तरह सोइल में डाल देते हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। और जो क्लीन वाटर है उसको वापस से हम किस में डाल देते हैं, रिवर्स में। देखिए फ्लॉक्स की डेफिनेशन भी दे रखी है, क्या होते हैं ये, मासेस ऑफ फंजाई फिलामेंट्स ट्रैप्ड बैक्टीरिया इन मेस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, फंजाई के जो स्ट्रक्चर होते हैं मेस लाइक, उनमें ये ट्रैप हो जाते हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर में दे रखा है बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में, बायो मतलब लिविंग और फर्टिलाइजर जो मतलब फर्टिलिटी को इंक्रीज कर दें, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इंक्रीज द एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, उनको बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। सहला आएगा इसमें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, उसमें एग्जांपल है राइजोबियम, जो सिम्बियोटिक है, मतलब ये म्यूचुअलिज्म शो करता है, किसी के साथ रहकर ये काम करता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में, कौन से वाले प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, ठीक है। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जाम्पल भी है फ्रेंकिया, अगर आप एक्स्ट्रा याद करना चाहते हो। सिम्बियोटिक मतलब ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट को बेनिफिट पहुँचाता है, ये उसको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा और रूट्स इसको फूड देगी, इसलिए इसको सिम्बियोटिक बोल रहे हैं, आपने पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में ही पढ़ा था। फ्री लिविंग जो किसी पे डिपेंड नहीं है, किसी के साथ रिलेशन शो नहीं करते लेकिन फिर भी भला कर देते हैं, इसमें दो ही एग्जांपल है, ए से याद रखना एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, दिस इज एजोटोबैक्टर है, ठीक है। ये दोनों यूज़ होते हैं फ्री लिविंग, और ये तीनों क्या है, नाइट्रोजन फिक्सर हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में से, किसको देते हैं, प्लांट्स को। फंजाई भी बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज़ होती है, जैसे माइकोराइजा पाइनस की जो वहाँ ग्लोमस फंजाई है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करती है इसको। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी है साइनोबैक्टीरिया, वो भी नाइट्रोजन फिक्स करती है एक्वेटिक हैबिटेट में भी और टेरेस्ट्रियल में भी, एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी के जो नाइट्रोजन फिक्सर्स की तरह रहती है सॉइल में, नॉस्टोक, एनेबीना, ऑसिलेटोरिया। साइनोबैक्टीरिया आर वेरी गुड नाइट्रोजन फिक्सर, बींग फोटोसिंथेटिक ये ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट आपका इस चैप्टर में दे रखा है बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट जो क्या करें, किल कर दें
बायो फर्टिलाइज़र तो न्यूट्रिशन को बढ़ा रहे थे, फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे थे, लेकिन बायो कंट्रोल एजेंट क्या करते हैं, कोई भी पेस्ट है उसको किल कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट केमिकल की फॉर्म में भी होते हैं, लिविंग फॉर्म्स में भी होते हैं, लेकिन बायो कंट्रोल केमिकल्स को तो नहीं मार पाएंगे, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। जैसे कि बीटल्स होती हैं, है ना, ये मार देती हैं, लेडी बर्ड एफिड्स को किल करती हैं, और ड्रैगन फ्लाइज मस्कीटोज को ख़राब करते हैं, ये फील्ड को ख़राब करते हैं, एफिड्स वगैरह, है ना, क्रॉप्स को ग्रो नहीं करने देते। तो जो लेडी बर्ड है ना, हमें कोई केमिकल स्प्रे करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो एफिड्स को किल कर देगी, और ड्रैगन फ्लाइज किसको किल कर देते हैं, मस्कीटो को। बीटल्स भी बहुत अच्छी हैं, ये भी किल कर देती हैं जो भी पेस्ट वगैरह है, बीटल्स ब्लैक और रेड मार्किंग के साथ आपको दिख जाएगी। कोड वर्ड याद रखना LA, ठीक है, और ड्रैगन फ्लाई का याद रखना DM, ड्रैगन फ्लाई मारती है मस्कीटो को। आपकी NCERT में BT लिखा हुआ है, BT मतलब बैसिलस थुरिंजाइनेसिस बैक्टीरिया, मैंने बताया था इसके अंदर एक टॉक्सिक प्रोड्यूस होता है, अगर इसको कोई दूसरा बैक्टीरिया खा ले तो वो मर जाता है, एल्कलाइन pH में वो टॉक्सिक एक्टिव हो जाता है, प्रोटॉक्सिन से टॉक्सिक फॉर्म में बदल जाता है। तो ये बैक्टीरिया भी यूज़ हो रहा है बायोटेक में, जो हमारी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करता है। इसकी टेक्नोलॉजी हम बायोटेक वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये एक फंगस है, ये किल करती है रूट के पैरासाइट, जो भी रूट्स को खा जाते हैं पैरासाइट, क्रॉप्स वगैरह उनको किल करते हैं। बैक्यूलोवायरस, इसका लास्ट टाइम भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि नैरो स्पेक्ट्रम बताइए, जो वायरस का जीन है जो हेल्प करता है किल करने में, नैरो स्पेक्ट्रम है, तो आंसर क्या आएगा आपका, बैक्यूलो वायरस आएगा। जीनस का भी एग्जांपल दे रखा है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में ये यूज़ होता है, और इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, पूरी लिस्ट बना लीजिए। मिथेनोजेंस कौन होते हैं, मिथेनोजेंस वो होते हैं जो गैस प्रोड्यूस करते हैं, मेनली मिथेन, इसमें मिथेनो बैक्टीरिया, ये र्यूमेन में इजिली आपको स्टमक चैम्बर में, चैम्बर्स होते हैं ना इनके, कैटल्स के 3-4 चैम्बर होते हैं, जैसे हार्ट में चैम्बर होते हैं, इनके स्टमक में चैम्बर्स होते हैं, तो वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। एनारोबिक होते हैं, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होते ही नहीं है, तो ये मिथेन गैस, ये जो डंग है इनका, गोबर वगैरह, वो यूज़ होता है, इनको डालते रहते हैं, एक पिट बना के एक गड्ढा कर देंगे ज़मीन में, और एक टैंक को हम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, डंग वाटर जो भी स्लरी वगैरह है वो सब इसमें जाता रहता है। अब ये जा रहे हैं तो फिर माइक्रोब्स भी चले जाते हैं, मिथेनोजेंस वगैरह भी, ठीक है, वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं जब उस पर फीड करते हैं, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2, और ये गैस दूसरी पाइपलाइन से जा रही होती है और हाउस होल्ड में यूज़ होती है एज अ फ्यूल। और जो ये डेब्रिस बन रहा होता है नीचे डाइजेशन के बाद, स्लरी वगैरह, इसको फील्ड में डाल देते हैं, यूज करते हैं एज अ मैन्योर, फ्लोटिंग टैंक। तो बायोगैस प्लांट जो है उसके 3 पार्ट हैं, एक तो बिग चैम्बर है जिसमें सारा डंग वगैरह काऊ का इसमें इकट्ठा हो रहा है, जिसको डाइजेस्ट कर रहे हैं मिथेनोजेंस, कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, मिथेन, जो यूज़ हो रही है एज अ फ्यूल, और जो मैन्योर बन रहा है उसको फील्ड में डाला जा रहा है फॉर द इम्प्रूवमेंट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 2 इंस्टीट्यूट के नाम हैं जिन्होंने बायोगैस प्लांट का सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था, टेक्नोलॉजी वो इन्होंने करा था, IERI, ये तो दिल्ली के अंदर ही है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा जो है वो KVIC है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इन दोनों की फुल फॉर्म आ सकती है, तो मेक श्योर आपको उनकी फुल फॉर्म पता हो, इन दोनों ने कंसेप्ट दिया था। और एंटीबायोटिक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, एंटीबायोटिक्स के जो रोल है, ठीक है, वो डिस्कवरी फ्लेमिंग ने करी थी, लेकिन उसका जो फुल पोटेंशियल है वो अर्नेस्ट चैन और हॉबर्ट फ्लोरी ने एक्सप्लेन करा था, तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला था। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी है, तो आंसर क्या आएगा, पेनिसिलिन आएगा, ये पेनिसिलियम नोटेटम से एक्सट्रैक्ट की गई थी, ठीक है, ये स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी गलत हो गई है, सॉरी, दिस इज़ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक्स कोई क्या होती है, कोई ऐसा माइक्रोब, देखो ये अपना कुछ केमिकल बना रहा है और ये केमिकल दूसरे माइक्रोब्स को किल कर रहा है, तो एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब किसी दूसरे की लाइफ के अगेंस्ट, इस पहले वाले माइक्रोब ने एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करा जिसकी वजह से दूसरा माइक्रोब्स मर रहा है। सो डेट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास, बहुत ही शॉर्ट में मैंने कोशिश करी है आपको समझाने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछना कमेंट में, लेक्चर कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच, एंड विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड लाइक ज़रूर करना इस लेक्चर को। बाय बाय।